जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में आपने कुछ इम्पोर्टेंट नियम के बारे में जाना था, जिनकी सहायता से आप शब्दों को संकेत चिन्हों के माध्यम से एक साथ जोड़ते थे। ठीक है, तो उन्हीं नियमों के आधार पर अभ्यास 5 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको उसी नियम के आधार पर ही यहाँ पे जोड़ना है। तो आइए देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपका स्वर चैप्टर शुरू होगा। तो उसको जानने के लिए ये अभ्यास 5 थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। पहला शब्द देखिए मग है। ठीक है, तो मग आपको बताए थे आड़ी रेखा है तो लाइन पे ही चलेगी। ठीक, ये मग हो गया, ग डार्क हो जाएगा। गम उसी का उल्टा है, ये भी आड़ी रेखा ग से स्टार्ट है तो लाइन पे हो जाएगी, गम हो जाएगा। फिर जग, ज ऊपर से नीचे की तरफ आता है डार्क रेखा से, फिर डार्क से ग बना देंगे। फिर गज, आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाला व्यंजन है। ठीक है, तो आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाला व्यंजन यदि आता है तो आड़ी रेखा ऊपर चली जाएगी, आपने पिछले रूल्स में पढ़ लिया है इसको, ये ग बन गया और ज। छक, च क, च को काट दिए तो छ हो गया। चट, च बनाया फिर ट बना दिया, चट हो गया। ढक, ये थोड़ा डार्क होगा फिर क हो जाएगा, ढक हो गया। कट, क हो गया फिर ट हो गया, चूंकि आड़ी रेखा है उसके बाद नीचे आने वाला व्यंजन है तो आड़ी रेखा ऊपर चली जाएगी। टड, दोनों देखिए सरल रेखा है, आपस में इसी प्रकार से जोड़ेंगे इसको, पहले ट बनाया फिर इसी में ड को जोड़ दिए, टड हो गया। झट, तो झ ट काट दिए, झ हो गया और ट हो गया। डग, ड हो गया और ग हो गया। ठग, ट बना के काट दिए, ठग हो गया। नट, ये आपका न हो गया और ट हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया, न हो गया और ट हो गया, नट। थन, त बनाए फिर न बना दिए, फिर त को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, थन हो जाएगा। धन, इसको आप काट देंगे, धन हो गया। नग, ये न बनाए ग हो गया, नग हो गया। बन, नीचे आने वाली रेखा डार्क से बनेगा, ब हो गया और म बना के काट दिए, बन हो गया। अब इस प्रकार से बनेंगे तो कोण भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस प्रकार से बनाया, पिछले वीडियो में आपने इसके रूल के बारे में देखा है। धर, ये धर हो गया, नीचे आने वाला अगर र का यूज करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपने पिछले वीडियो में जो रूल्स पढ़ा था वो इसी के बारे में था, हमने लास्ट में 3 रूल आपको बताया, उसमें सबसे लास्ट वाला था कि अभ्यास करते समय कोण को अस्पष्ट बनाते रहें। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिए कोण अस्पष्ट है, गति में अवरोध भी नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर वाले र का यूज कर लिया दाएं समूह के साथ, और अगर बाएं समूह के साथ यूज करेंगे तो कोण स्पष्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। चल, च हो गया और ल हो गया, नीचे वाला चल इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, हल, ह हो गया और ल हो गया, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हल दोनों सही है, कोई भी यूज कर सकते हैं। रख, ये देखिए र ऊपर से नीचे की तरफ आया और ये क बना के काट दिए, रख हो गया, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बायां दायां समूह और ऊपर एक ही संकेत चिन्ह के ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले समूह को इसलिए ही दिया गया है कि आपको जहां जो आसानी पड़े
वहां उसका यूज कर लें, ठीक है। आपके गति में अवरोध ना आए, बस इसी चीज का ध्यान देना है। जल, जल यह बना के फिर इसी में ह जोड़ दिए, यह हो गया। मटर न बनाए, ट बना के फिर र जोड़ दिए, फिर न को काट दिए, मटर हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर इस वाले म का प्रयोग करेंगे तो देखिए स्पष्ट कोण नहीं बनेगा और यहां गति में अवरोध आ रहा है, इसलिए हम इस म का यूज करेंगे। शटर, श हो गया, ट हो गया और र हो गया, या फिर इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, श हो गया, श ट र, ठीक है, शटर। आप बाएं समूह का भी यूज कर सकते हैं यहां पे, श ट र या फिर श ट र, ठीक है, दोनों सही। टहल, ट हो गया, ह हो गया और ल हो गया, ये हो गया टहल। ट में ह इस प्रकार जोड़ लेंगे, ट ह ल, ठीक है, टहल हो गया। जलन, ज हो गया, ल हो गया और न हो गया, जलन हो गया। भजन, भ ज फिर म बना के काट देंगे तो भजन हो गया। अब इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे तो यहां देखिए कोण भी स्पष्ट नहीं बन रहा, तो ये वाला ज्यादा सटीक लग रहा है, ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे। पटक, प हो गया, ट हो गया और क हो गया, पटक हो गया। रपट, र प ट हो गया। ये झपट, ज प ट, ज को काट दिए तो झपट हो गया। हम आपको अपने पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताए थे कि देखिए जैसे ज का संकेत चिन्ह भी डार्क है, चूंकि ज में ह लगा है, ठीक है, ज प्लस ह क्या हो गया, झ हो गया, तो जहां पे ह लग गया वो कट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से झपट हो गया। फिर रटन, र ट न हो गया, रटन। खटमल, सॉरी ये पहन, प हो गया, ह हो गया और न हो गया। महक, म ह क, महक हो गया आपका, म में ह इस प्रकार से जोड़ेंगे, म ह क, महक। कटहल, क हो गया, ट हो गया, ह हो गया और ल हो गया, ये आपका क्या हो गया, कटहल। अगर आपको असुविधा हो इस प्रकार से ट में ह जोड़ने को तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, बशर्ते आप इसका अनुवाद सही तरीके से कर पाए, कट ह ल, ठीक है, कटहल या फिर क ट ह ल, कटहल, ठीक है। मल मल, म हो गया, ल हो गया और म हो गया, ल हो गया, ये क्या हो गया, मल मल, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, म ल म ल, मल मल, स्पष्ट संकेत बन गए, ठीक है। हलचल, ह हो गया, ल हो गया, च हो गया और ल हो गया, हलचल हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर जाने वाला ह बनाएंगे तो इस प्रकार से देखिए, ह ल च ल, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे तो ज्यादा सटीक रहेगा। खटमल, ख ट म ल, खटमल हो गया। बर्तन, ब हो गया, र हो गया, त हो गया और न हो गया, बर्तन। टमटम,
ट हो गया, मा हो गया, ट हो गया और मा हो गया, टमटम। पनघट, पनघट हो गया। ठीक, यहां पे ग को काट देंगे, पनघट। रहपट, रह हो गया, ह हो गया, प हो गया और ट हो गया, रहपट। घर पर चल, ये आपका घर हो गया, पर में प इस प और र इस प्रकार भी बना सकते हैं यहां पे। ठीक है, घर पर चल, घर पर चल। बकबक मत कर, बक बक मत कर। ठीक है, जल भर, जल भर। रच, ये र हो गया और च हो गया, रच। चरण, च हो गया, र हो गया और न हो गया, चरण। मरण, मा हो गया, र हो गया और न हो गया, मरण। परक, प र क, परक हो गया या फिर पर क, परक हो गया। जहर मगर, ज हो गया, ह हो गया और इसी में को बढ़ा देंगे तो र हो जाएगा, जहर। इस प्रकार भी बना सकते हैं, जहर, जहर। ये देखिए, यहां तक ह हो गया आपका और इसके आगे फिर जोड़ दिए तो र हो गया। ठीक है, जहर। मगर, म क र, जहर मगर। हर हर कर, हर हर कर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हर हर कर, आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप ये ह ह यहां तक हो गया और र यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हर हर कर। ठीक है, चरण पर सरधर, चरण पर सर धर। ठीक, मर चरण पर, मर चरण पर। ठीक, तो ये आज आपका अभ्यास 5 समाप्त हुआ। ठीक है, आप आने वाले वीडियो में आप व्यंजनों में स्वर कैसे लगाया जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने केवल व्यंजन के बारे में पढ़ा कि कुछ शब्द दिए गए थे उसको बिना स्वर के केवल व्यंजन की सहायता से उसको बनाना आपने अभी तक सीखा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप स्वर को कैसे लगाया जाए या स्वर को कैसे यूज किया जाए इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने व्यंजन को सीखा, अब व्यंजन में स्वर कैसे लगाया जाए शॉर्ट हैंड में लिखते समय उसके बारे में आप देखेंगे। तो हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट हैंड में स्वर को कैसे यूज किया जाए इसके बारे में होगा। ठीक है, तो आने वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उस पर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।